चेन्नई सुपर किंग का इंडियन प्रीमियर लीग के इस सत्र में अभियान बद से बदतर होता जा रहा है। शुक्रवार को यहां होने वाले मुकाबले में कप चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उम्मीद है कि वो अपने कुछ युवा खिलाड़ियों को आजमाएं। हालांकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद स्वीकार किया कि सत्र उनके लिए शायद खत्म हो चुका है, लेकिन टीम अगर अपने बचे हुए चारों मैच जीत लेती है तो वो 14 अंक हासिल कर सकती है, जिससे उसे हगर मगर से प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका मिल सकता है। दरअसल सीएसके के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि उनकी उम्रदराज खिलाड़ियों से भरी टीम पिछले दो सत्र में अच्छा करने के बाद अब चमक होती जा रही है, जिसने 2018 में खिताब जीता और फिर अगले साल फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में मुंबई इंडियंस पर जीत हासिल करने के बाद उसके लिए चीजें खराब होती रही। टीम को राजस्थान रॉयल्स के हाथों करारी शिकस्त भी झेलनी पड़ी और अब ड्वेन ब्रावो भी उनके साथ नहीं होंगे, जो चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। वहीं राजस्थान के खिलाफ उनके बल्लेबाज जूझते दिखे और अब देखना बाकी होगा कि टीम नए खिलाड़ियों को मौका देगी या नहीं, क्योंकि सोमवार को मिली हार के बाद धोनी ने इसका संकेत दिया था। पाप डुप्लेसी को छोड़ देते धोनी भी अन्य खिलाड़ियों की तरह कुछ खास नहीं कर पाए हैं। टीम के लगातार केदार जाधव को खिलाने के फैसले की भी काफी आलोचना हुई, जो जूझते नजर आए, और अब ये देखना होगा कि उनकी जगह एन जगदीशन या ऋतुराज गायकवाड़ को उतारा जाएगा या नहीं। टीम शानदार फॉर्म में चल रही मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगी, जो लगातार 5 मैचों में जीत के बाद शानदार लय में थी, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब ने उनकी इस लय को तोड़ दिया और रविवार की रात को 2 सुपर ओवर में जीत हासिल की। 4 बार की आईपीएल चैंपियन शानदार फॉर्म में है और गेंदबाजी आक्रमण में वेरिएशन की मौजूदगी से वो चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जिनका आत्मविश्वास पहले से ही गिरा हुआ है। वहीं शारजाह पर विकेट धीमी होने से चीजें बदली हुई दिख रही है। साथ ही मुंबई इंडियंस के लाइन में क्विंटन डिकॉक काफी अच्छे फॉर्म में है, जबकि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने भी काफी अच्छा किया है। इतना ही नहीं, कारन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या की पावर हिटिंग भी मुंबई इंडियंस के तब काम आई जब उसके बड़े खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुणाल पांडे ने भी कुछ अहम योगदान दिया और लेग स्पिनर राहुल चहर के साथ कसी हुई गेंदबाजी की। मुंबई की गेंदबाजी इकाई अच्छा कर रही है, लेकिन थिंक टैंक जेम्स पैटिनसन को नाथन कुल्टन नाई की जगह लाने के बारे में सोचा जा सकता है, जो खर्चीले साबित हुए थे। शुक्रवार को मैच में 2 अंक से रोहित शर्मा की टीम प्लेऑफ स्थान पक्का करने के करीब पहुंच जाएगी, जबकि चेन्नई सुपर किंग अब तक के खराब सत्र का अंत अच्छी तरीके से करना चाहेगी, जिसके पास अगर मगर से अब भी मौका है। खैर, आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।